सिद्धार्थनगर में प्रत्येक वर्ष भांति इस वर्ष भी कपिल वस्तु महोत्सव 2019 का विद्युत शुभारंभ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने फीता काट कर किया। ये महोत्सव 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक अनवरत चलेगा। इसी दौरान इस महोत्सव को यादगार बनाने के लिए देश के कई नामी गिरामी कलाकार यहाँ प्रस्तुतियाँ देंगे। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सहित कई अधिकारी व भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सर, कपिल वस्तु महोत्सव का शुभारंभ हुआ, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे, कितने दिन का है? हाँ, जैसा आपको अवगत है कि आज से इसका फॉर्मल शुभारंभ हो गया है। 15 से 21 दिसंबर का ये प्रोग्राम है, 7 दिनों के ये चलेगा और इसमें पूरे दिन भर के शेड्यूल्स और ये सब कुछ यहाँ बाहर होर्डिंग्स में भी लगे हुए हैं, कार्ड्स भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जनरली पैटर्न यही है कि फर्स्ट हाफ में हमेशा कोई ना कोई विभाग का या कर्मचारियों का या अधिकारियों का ये सम्मेलन रहेगा, चाहे वो आशा ANM आंगनवाड़ी शिक्षक सम्मेलन हो। उसके बाद लंच के बाद जनरली स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति और स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति रहेंगी और इवनिंग में डेली बाहर से सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए लोग का भी नाट्य मंचन भी है, संगीत भी है, सब चीज़ें हैं। तो ये 7 दिन का रहेगा और बाहर स्टॉल्स हैं, मोर देन 200 स्टॉल्स हमने लगाने की कोशिश की है, जिसमें ग्रामोद्योग की शिल्पग्राम भी है, कमर्शियल स्टॉल्स हैं, विभागीय प्रदर्शनीज हैं, फूड स्टॉल्स भी हैं, झूले हैं, बैलून्स हैं, तारामंडल बच्चों के लिए, बुक फेयर, तो काफ़ी चीज़ें की गई हैं। उम्मीद है कि सब लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये जो 7 दिन का महोत्सव है इसमें चाहे वो विभागीय चीज़ों को लेके हों, चाहे प्रचार प्रसार को लेकर हो, चाहे इसका एक जिसे कहते हैं कि स्वस्थ मनोरंजन है सब लोगों के लिए, सबके परिवार के लिए।